जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल आजकल बहुत ही SaaS प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। SaaS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आज इसी तरह का SaaS प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे जो कि होगा एक बहुत ही सिंपल सा बिजनेस नेम जनरेटर। एक बहुत अच्छे SaaS प्रोडक्ट का एग्जांपल कैनवा है, जिसने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके एक ऐसा प्रोडक्ट दुनिया के सामने खड़ा कर दिया जो कि तहलका मचा रहा है डिजाइनिंग में। आज मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस क्वेश्चन को समझो और इस बिजनेस नेम जनरेटर को बनाने का ट्राई करो। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है जावास्क्रिप्ट की मदद से। आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिख देना। अगर आप लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ। तो मैं एक यहाँ पर नया फोल्डर बनाऊंगा और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ वीडियो 62। और आप लोगों को इस पे बनाना है एक बिजनेस नेम जनरेटर। क्या है ये बिजनेस नेम जनरेटर? देखो, index.js आप लोग लिखोगे तो आप लोग एक नई फाइल बनाओगे index.js नाम की। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा क्रिएट अ बिजनेस नेम जनरेटर बाय कंबाइनिंग लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। मैं यहाँ पर वर्ड रैप को टॉगल कर लेता हूँ, बाय कंबाइनिंग लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स एंड शॉप नेम एंड Another word, ठीक है। तो तीन तरह के वर्ड्स को मिला के आपको एक यहाँ पर बिजनेस नेम जो है जनरेट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा वो बिजनेस नेम जनरेट? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ एडजेक्टिव्स के नाम दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को दूंगा क्रेजी, मैं दूंगा अमेजिंग, मैं दूंगा फायर, ठीक है। इन तीनों को आप लोगों को स्टार्टिंग में यूज़ करना है, ठीक है। तो ये है हमारे एडजेक्टिव्स की लिस्ट। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को एरेज का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप एरेज का इस्तेमाल कर बैठे इसमें तो मैं आप लोगों को ये मानूंगा कि आप लोग डिपेंड हो रहे हो एरेज पर और आप एक अच्छे जावास्क्रिप्ट डेवलपर नहीं हो। क्योंकि मैं आप लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ इस तरह से करना है काम कि एरेज का प्रयोग आप लोग नहीं करोगे, आप लोग फंक्शंस का प्रयोग करोगे और आप लोग क्या करोगे, स्ट्रिंग्स का प्रयोग करोगे। तो आपको ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये यूज़ करना है पहला वर्ड में। इसके बाद आप लोगों को शॉप नेम में क्या करना है, कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना है इंजन, या फिर आप लोगों को करना है फूड्स, या फिर उसके बाद आप लोग कर सकते हो किसकी दुकान हम खोलें, गारमेंट्स, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसके बाद आप लोगों को जो अनदर वर्ड यूज़ करना है, ठीक है, एक ब्रोस करना है यूज़, आप लोगों को एक लिमिटेड यूज़ करना है और एक आप लोगों को यूज़ करना है हब, ठीक है। अब आपको एक वर्ड इसमें से लेना है, एक वर्ड इसमें से लेना है और एक वर्ड इसमें से लेना है रैंडमली, और एक नया नाम जनरेट करना है, एक बिजनेस नेम जनरेट होगा। जैसे कि क्रेजी फूड्स लिमिटेड, जैसे कि क्रेजी इंजन हब, इस तरह का एक नाम जनरेट होगा। एरेस का प्रयोग मत करना, ठीक है, एरेस का नहीं करोगे प्रयोग, आप लोग करोगे डिस्क्वालीफाई एक्सरसाइज से, ठीक है। आप लोगों को स्ट्रिंग बना के इसको लिखना है, इफ एल्स लगाना है, रैंडम नंबर्स जनरेट करना है, वो सब अलाउड है। फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हो, एरेस का प्रयोग मत करना, एरे मैंने पढ़ाया नहीं है, ये आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ कि भाई आपको एरेस का प्रयोग नहीं करना, एरे मैंने देख लिया अगर डिस्क्वालीफाई, ठीक है। आई होप कि आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।